20 સંવત 2408 વૈશાખ વદ 11 બુધવાર તારીખ 22/5/68 ના દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં કર્તા કર્મ અધિકારની ગાથા 73 અને 74 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન સમયસાર શાસ્ત્રના સળંગ પ્રવચન નંબર 514 નમો નોય સૌરિયંતાણમ નમો નોય સૌદાનમ नमो नुरी सौ आयुर्यान नमो नुरी सौ उज्जयनम नमो नुरी सौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामद मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान यो मंगलम गोकमोहि मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समर्पणाय स्वानुभूत्या चास्ते चित्सोहाय भवाय सर्वमा કરતા કર્મ અધિકાર અહિયાં સુધી આયા લિખો એસા આત્મા મેં નિશ્ચય કરકે ક્યાં લગાયા હૈ એસી જ પાછળ મરા દેખું પાછું દઈ आत्मन चलाए ठीक आत्मा में पहले जो अंतर ऐसा निर्णय किया हो वो आते हैं ना कहेंगे पंडित जी जयंत जी पंडित जी क्या लगाया है देखो कैसा निश्चय करके जिसको दुख से मुक्त होना हो जन्म मरण का परिभ्रमण का घाणी में पिलने पिलते हैं इससे मुक्त होना हो तो उसको क्या करना हो बात है तुम्हारा किला अपना अवतार जन्म मरण की कहानी में पिलाते हैं तो उसको भी दुख से मुक्त होना हो दुख से मुक्त होना है क्या आत्मा से मुक्त होना है दुख से मुक्त होना हो तो उसके क्या करना कि पहले उसको आत्मा का निश्चय करना मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति हूं और अनादि अनंत हूं नित्य उदय रूप विज्ञान का स्वभाव पराण कारण में एक हूं तत्कार की प्रक्रिया का भेद उसमें मेरे में है ही नहीं मैं तो शुद्ध हूं और मेरे में राग आदि का स्वामीपण परिणमु ऐसा मेरा स्वभाव नहीं मेरा स्वभाव व्यवहार कहो राग कहो विकल्प कहो ये रूपे होना वो मेरा स्वयं सदा परिणमन होना वो मेरे में है ही नहीं समझ में आया देखो मैं विकार रूप हूं ऐसा स्वयं सदा परिणमने वाला मैं हूं ही नहीं पहले तो द्रव्य का स्वभाव दृष्टि की क्या है समझ में आया उसका अर्थ हुआ कि उदय भाव व्यवहार भाव से मैं परिणमू ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं एम कहते हैं समझ में आया इतनी अंदर धीरज चाहिए थी उसने ऐसा निर्णय करने में इतना प्रयत्न में पुरुषार्थ मांगते हैं मैं ऐसा हूं और मैं पर राग रूप विकार रूप स्वयं सदा प्रणमने वाला होने वाला तो नहीं तो मैं हूं क्या मैं तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं मेरे में तो ज्ञान दर्शन की वस्तु है रूपी है चैतन्य है तो ज्ञान दर्शन से मैं परिपूर्ण हूं समझ में आया और कि मैं पर पदार्थ जैसा आकाश आदि है ऐसा मैं भी एक पदार्थ हूं आकाश आदि जैसे परमाणु वस्तु तो है ऐसा मैं भी परमार्थिक वस्तु विशेष हूं वो कारण परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्ति रूप अपने में आत्मस्वभाव में निश्चय रहता हुआ परद्रव्य के निमित्त से विशेष चेतन होती जो परिय आवे क्या कहते हैं मेरा द्रव्य स्वभाव तो ऐसा ही मैं द्रव्य हूं कि विकार उपकरण नहीं कभी ऐसा मैं हूं पर पर्याय में अरे पर्याय में परद्रव्य का निमित्त से विशेष चेतन में कलोल उठती है
उसका मैं निरोध करके सदा में एकाकार होता होता हूँ होगा ऐसा निर्णय करते हैं। समझ में आया? और विशेष तो ईद कहा अनुभव करता हुआ निरोध से इसको अनुभव करता हुआ मैं चैतन्य स्वरूप ज्ञान आनंद स्वरूप उसको मैं अनुभव करता हुआ अजी तो विकल्प से निर्णय करते हो अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हैं। देखो विशेष क्या वो पहला निमित्त से अपनी पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो मेरा ऐसा है ही नहीं पर पर्याय में कर्म का निमित्त और अपनी पर्याय में नैमित्तिक विकार का कलोल जो चंचल उठते हैं उस स्वभाव में एकाकार होकर उसको मैं निरोध करता हूं। और विशेष कहते हैं अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते स्वरूप का आनंद का ज्ञान स्वरूप का भान बिना पर्याय में अपना स्वरूप का बोध बिना अज्ञान से उत्पन्न हुए होते विकार क्रोधादि पाप सबको क्षय करता हूं। मेरे में ये नहीं तो मैं उसकी आश्रय से स्वभाव के आश्रय से विकार को दुख की दशा को मैं क्षय करता हूँ ऐसा आत्मा में निश्चय करके मन में नहीं। हम कहिया भाई अजी विकल मन साथ हैं ऐसे आत्मा में निश्चय करके पंडित जी बचत आत्मा निश्चय करके नहीं तो हम विकल रहेगी आत्मा में ऐसे निश्चय करके आत्मा ऐसा है ऐसा आत्मा में निश्चय करके निश्चय करने वाला तो आत्मा है कि नहीं विकल्प तो भले साथ में हो कहते हैं कि इत्या लग तो जी विकल्प से निर्णय किया वह छोड़ देते हैं विकल्प ओहो मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन आनंद है ऐसा अंतर्मुख होकर जो विकल्प जो वृत्ति है वो छूट जाती है छूट जाती है तो जैसे वहां समुद्र में भमरी में आकर फंसा गया है वो भमरी जब छूट जाती है वहां छूट जाता है ऐसे में विकल्प में फंसा था मैं छोड़ देता हूँ मैं निर्विकल्प वस्तु हूँ चैतन्य वस्तु हूँ अनाको आनंद वस्तु हूँ ऐसा अंतर्मुख होकर विकल्प को छोड़ देता है उसका अर्थ विकल्प छूट जाता है छूट जाता है उसको छोड़ते हैं ऐसा कहने में आता है सूक्ष्म बात है भाई अंतर की वस्तु अनंत काल से उसने अपनी निज क्या वस्तु है उसका माचम ही आया नहीं बाहर का माचम दुख का माचम पुण्य का माचम पुण्य का फल का माचम भेद की महिमा उनमें अभेद चिदानंद भगवान हूँ ऐसी महिमा विकल्प से भी यथार्थपणे स्वपक्ष लेकर करी नहीं आया। हाँ लोगों ने मारमा में मारती कोई धर्म हो जाए ऐसी बात है जैसा पूजा भक्ति दान दया व्रत और पर आश्री धमाल धमाल है धर्म ने नामे धम आयोजन ये सब धमा धम चली है धाम धूमे धमा धम चली ज्ञान मार गयो दूर रही ये सूर्य जी कह थे खरा फोन पास हलवो नही धाम धूमे धमा धम चली ओ हो 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 पैसा खर्चे मंदिर हो बड़ा शू कहवाई हाथी ने शू कहवाई गजरथ गजरथ निकले हाँ हाँ पांच पांच दो लाख ना खर्च संघ पद आपे बहुत धर्म हो गया। अरे भगवान कहाँ धर्म है उसमें भाई वो तो जरी शुभ भाव हो अने बाहर की क्रिया तो होने वाली ही होती है तुम्हें शुभ भाव आया तो क्रिया ऐसी होती है ऐसा तो है नहीं उसमें धमा धम में ऐसा वो धर्म पट आपे उसको बड़ा धर्म पट आपे संदी क्या सिंदई 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 की पदवी सिंगई हमारा संघ पति कहते हैं
भगवान आत्मा परिपूर्ण स्वभाव का लक्ष्य करके अंतर में एकाकार होते हैं, विकल्प छूट जाते हैं, वो आत्मा अनंत गुण का संगपति होता है, चैतन्य का स्वामी होता है। समझ में आया? तब उसको धर्म होता है। जिसने बहुत समय से पकड़े हुई जहाज को छोड़ दिया है, दृष्टांत दिया है, दृष्टांत तो घूम रही है, घूमत सक्रिय है, उसने वहां पकड़ रखा है। ऐसे विकल्प तो से आत्मा से पकड़ा गया है, ऐसा लेना। चक्र चल के दरिया में घूमर कहते क्या करते हैं, देखो जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भवन की भांति जिसने सर्व विकल्प को शीघ्र ही वमन कर दिया है, जेने सर्व विकल्प ने शीघ्र ही भाषा शीघ्र ही वमन दो शब्द पर आए, ऐसा पहले निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होकर अंतर में समा जाना, तो शीघ्र ही वो विकल्प जो है उसकी उत्पत्ति नहीं होती और उसके विकल्प वमन कर दिया। जैसा मनुष्य वमन कर लेते हैं तो फेर लेते हैं, वमन करते हैं फेर लेते हैं कुत्ता ले, ऐसा आत्मा में भगवान विधि कहते हैं। देखो पूछा था ना वो आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है, समझ में आया? अधर्म से किस विधि से निवृत्त होता है हम कहते हैं, अधर्म कहो का आश्रम कहो, विधि से अधर्म से निवृत्त होता। अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान ज्ञान दर्शन से कहीं पूर्ण, मेरे में क्या अपूर्ण है कि मैं पर का आश्रय लू, मैं परिपूर्ण प्रभु हूँ, ऐसा निर्णय करके स्व आश्रय में अंदर जा समाया, तो कहते हैं जिन भमरिये चक्रे जिन वाहन छोड़ दिया, ऐसा आत्माए तो विकल्प को शीघ्र वमन कर दिया, वो भी व्यवहार से कथन। समझ में आया? जिसने सर्व विकल्प को शीघ्र ही एक समय मात्र लगते हैं, हम कहते हैं नायक भगवान पूर्णानंद स्वभाव अंतरमा दृष्टिमा देह करके अंतर में समाया, विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। विकल्प एक पने की उत्तम था, प्रथम हो गया तो मिथ्या भी नाश हो गया, तो कहते हैं वमन कर दिया है। तो क्या हुआ? निर्विकल अचली निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ। समझ में आया? निर्विकल्प अचलित भगवान कैसा है आत्मा, वो राग का संबंध से रहित अभेद निर्विकल वस्तु है, अचलित ध्रुव है तो चले कहां से, ध्रुव वस्तु ध्रुव है अचलित। निर्मल आत्मा निर्मलानंद भगवान है, शुद्ध निर्मलानंद प्रभु, उसका अवलंबन करता, देखो उसका अवलंबन करता, विकल्प का अवलंबन नहीं, निमित्त का अवलंबन नहीं, व्यवहार का अवलंबन नहीं, आत्मा और कैसा आत्मा ऐसा किया ना, निर्विकल्प असल निर्मल आत्मा, आत्मा कैसा है हम कहते हैं, अभेद चले नहीं, ऐसा निर्मल स्वरूप भगवान, उसका अंतर में अवलंबन लेकर, देखो व्यवहार का अवलंबन रहा नहीं, कि व्यवहार का अवलंबन था तो अवलंबन नीचे का हुआ, ऐसा है नहीं है, क्या व्यवहार मन की उन्नति तो पहले से कही, यानी क्यों पी छोड़ दिया चारे थी, चारे बोला निमित्त के मामले कहने में आया,
माया पर की अपेक्षा है नहीं कुछ। हाँ तो पहले अनादि से निश्चय कैसा वस्तु है भगवान सर्वज्ञ प्रभु ये जैसी चीज हुई है ऐसा शास्त्र में वर्णना है उसका ऐसा विकल्प द्वारा निर्णय करते हैं। कैसा कर दूसरा तो आत्मा तो हम बहुत कहते हैं जो परमेश्वर है कहा ऐसा आत्मा वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा एक आत्मा। हम तो कोई सर्व एक आत्मा कहते हैं कोई विकल्प का नाश कर लो हम कहते हैं क्या नाश करे अस्तित्व का जितना महत्व है इतना लक्ष्य में न आवे सब लोग विकल्प का नाश होता नहीं। समझ में आया अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ वो विकल्प में तो ज्ञान का खंड खंड होता था भगवान आत्मा अंतर में विज्ञान घन अपना ज्ञान में एकाकार होता हुआ स्थिर करता हुआ वो आत्मा आश्रम से निवृत्त होता है लो अवतर उसका वो आत्मा दुख रूपी दशा से निवृत्त होता है। तो बाहर की यहाँ बात नहीं बात तो अंदर में है नहीं बात चीज भाई छोकरा निवृत्त होता है फलाना निवृत्त होता है निवृत्त तो है समझ में आया कौन छोड़े विकार का परिणाम सुभाषिंग जो था और उसको दृष्टि अपना पड़ी थी उससे छोड़कर मैं तो ऐसा हूँ ऐसा निश्चय करके विज्ञान घन में एकाकार हुआ आश्रम से निवृत्त होता है। तो समझ में आया बात भारी प्रश्न पड़े कर बीजों को उपाय से हम कहा मानते बीजों को व्यवहार व्यवहार कहीं साधन कहीं साधन ऐसे नहीं भक्ति करी है ये साधन तो अंदर जुनू साधन पड़े पर आ कोई बाहर साधन कोई भक्ति करवी भगवान की पूजा करवी दान दया देना कोई ऐसा परोपकार करना शरीर ने मन को सदुपयोग में लाना कोई ऐसा करते पीछे होता है ऐसा कोई उपाय उपाय है पंडित जी भगवान एक परद्रव्य का सदुपयोग होता ही नहीं तो तिरस्कार करने अग्नि में का तुमका है राग आदि शरीर आदि मन आदि तो तेरा तिरस्कार करना तिरस्कार करना का अर्थ तेरा स्वरूप से भिन्न है और तू तेरे को मान तो तिरस्कार करना रहे हो तो तिरस्कारणीय तिरस्कार करना बे आते ना बे बोलाते चैतन भगवान ज्ञान खन वस्तु है महाअरूपी पण वस्तु है तो उसमें बसा हुआ अनूपी शक्ति और गुण है ऐसा एक रूप भगवान अपना लक्ष्य करके ध्येय बनाकर एकाकार होता है तो विकार का भाव से निवृत्त होता है ये आश्रव से निवृत्त होने की आ रीत ने विधि है को विधि विधान हमारा आते है ना उपदान में उपदान करते है ना पिस्तौल दिन का नागणू करे थे बेचारा मरी जाए बात खानू पूछ बैठ करे भगवान पास कितना प्रतिमा पास ओ खमा खाना आ तभी करी थे मजूरी अभी बड़ी सदी करी थे उपदान बंद बहुत किया है सामायिक ने पोहा ने परिको ने मजू किया कहते हैं कि ऐसा आत्मा अपने से अपने विज्ञान घन होता हुआ वो कर्ता कर्म है ना अपने में विज्ञान घन होता हुआ पर के काम से नहीं अपना स्वभाव का अवलंबन काम से विज्ञान घन होता हुआ या तो अध्यात्म शास्त्र है मूल सत्व की बात है। ओहो अमृत चंद्राचार्य ऐसी आत्मख्याति दिखा सा दिखा अलौकिक अलौकिक परम पदार्थ की व्याख्या और उसका विस्तार अलौकिक आवाज शुद्ध नहीं से जो व्यवहार नहीं से नहीं शुद्ध नहीं से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है धर्म होने में पहले शुद्ध नहीं से ऐसा निश्चय मैं एक हूं आया ना वो हम मैं एक हूं शुद्ध हूँ परद्रव्य के प्रति ममता रहित हूँ
मैं तो परद्रव थी ममता, ममता का अर्थ परद्रव रूप प्रणमना मेरा स्वभाव में नहीं, राग रूप होना उदय रूप होना ये मेरा स्वभाव में नहीं, उसका नाम ममता रहित कहते हैं। कहने में अच्छा कि ममता घटाड़ो पर की, ममता घटाड़ो पर की, क्या घटाड़े पर है ही नहीं तेरे में। वो तो कहते हैं मेरा चीज में सच्चिदानंद प्रभु, मेरा शुद्ध भाव वितराग भाव और राग रूप हो ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं, उसका नाम निर्ममत्व कहते हैं। समझ में आया? निर्मम ना अर्थ क्या, निर्मम वो राग आदि मम है ये रूपे में प्रणमो ऐसा मैं नहीं है, निर्मम। समझ में आया? राग विकल्प है वो मेरा है वो रूप में प्रणमो ऐसा नहीं, मैं निर्मम, राग आदि मेरा से रहित मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं राग रूप सदा प्रणमो ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं कभी। समझ में आया? बहुत जनों का मानस मैटिया बढ़ा तूफान तूफान मेरे व्यवहार का लोप हो जाता है प्रभु, एम कहते सोनगढ़ वाले तो व्यवहार का लोप कर दिया एम कहते हैं। सोनगढ़ क्या के शास्त्र कहते हैं पंडित जी, शास्त्र क्या कहते हैं, व्यवहार रूपे प्रणमो ये तो मेरा स्वभाव नहीं एम कहता है। तो एना पहला निर्णय की बिना तेरा अंतर के अंतर में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है त्या एक चीज ऐसी है अंतर स्वभाव सच्चिदानंद प्रभु पूर्णानंद का नाथ वो आनंद रूप स्वभाव क्या दुख रूप प्रण में एम कहते भाई, भगवान नित्यानंद प्रभु क्या दुख रूप प्रण में, मैं दुख रूप प्रण में ऐसा टिकाव नहीं है। मैं तो नित्यानंद हूँ, अतीन्द्रिय आनंद से भरा बड़ा पड़ा आत्मा हूँ, विकार अतीन्द्रिय आनंद ओ भगवान अतीन्द्रिय आनंद वो आनंद वो दुख रूपे प्रण में कैसा ऐसा मेरा स्वभाव है। पर्याय में है तो अज्ञान भाव से उत्पन्न हुआ भाव तो स्वभाव की दृष्टि से मैं छोड़ता हूँ एम कैसे। समझ में आया? परद्रव की प्रति ममता रहित हूँ यानी व्याख्या आ है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ। जब यह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ, देखो ऐसा स्वरूप में रहता हुआ, ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप उसी के आत्मा के अनुभव तब क्रोधादि आश्रम क्षय को प्राप्त होते हैं, तब विकार की उत्पत्ति नहीं होती है, तो विकार का नाश होता है ऐसे कहने में आता है। जैसे समुद्र के आवर्त आवर्त बमर के बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो और जब यह आवर्त समन हो जाता है, समन जो लम्बे समन दिखा सुन समन्वय समन्वय करो समन करो समन में समन समय उपादान की चर्चा का हवे समन करो समझे समन्वय समन्वय करके समन करो समन करो पर प्यास मन की अपने से परिये होती है तो निमित्त हो ऊपर निमित्त किया क्या उसमें क्या समन किसरी करे रात्रि को प्रश्न नहीं था, रात्रि को प्रश्न था लोग कौन है तो जजा चलती है कि नहीं, देखो नीम चलते हैं तो छाया नीचे चलती है कि नहीं, छाया नीम का घास ऐसा होता है ना नीचे छाया होती है ना छाया तो उसके कारण छाया चलती है कि नहीं, नहीं ये बंद हो छाया बंद हो जाती है भाई, छाया फुटलो अपने कारण से काली परी होती है आगे पची होती है, झाड़ अपने कारण से हूँ झाड़ अपने ऐसा चलता है, झाड़ के कारण या काली परी हलती है काली होती है ऐसा, फोन के कारण से धजा चलती है ऐसा नहीं। समझ में आया?
मोटर पेट्रोल से चलती है, हम ये कहते हो तुम समझ, कौनगढ़ की मोटर पेट्रोल से न चले पर हमारी मोटर पेट्रोल से चलती है, और हम ये कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, पेट्रोल का परमाणु भिन्न भिन्न है और मोटर का परमाणु भिन्न भिन्न है। परमाणु में अपनी पर्याय स्वतंत्र समय में होने वाली अपने से होती है, पेट्रोल से पेट्रोल पड़ा हो तो मोटर बंद हो जाती है। हमारे बैठने वाले नहीं अपने भू भू करती है, मैं अंदर भू उठते कहीं कार हो ना तो भू भू बे तुम पोते बैठो ना ड्राइवर ने बीजो ड्राइवर आगे एकदम भू भू शू क्या हो रहा है भैया कह रहे फोन एकदम पर्याय में ऐसी अवस्था होने की है तो अपने कारण से होती है, उसमें कोई पेट्रोल है फलाने उससे होती है। भगवान पास जाए तो पते नहीं कहते हैं नानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव उसी के आत्मा के जहाज को पकड़ रखा हो और जब आवर्त शासन हो जाता है समन हो जाता है तब यह इस जहाज को छोड़ देता है। उसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्तको विकल्प को चक्र को मैं ज्ञानानुसुचैतन हूँ ऐसा अंतर्दृष्टि का अनुभव से विक्र का आवर्त नाम चक्र को छोड़ देते हैं। वो राग छूट गया व्यवहार छूट गया निश्चय में एकाकार दृष्टि हुई उसका नाम संयम दर्शन ज्ञान है। दुख से निवृत्त करने का और विधि उपाय है समझ में आया, आश्रम को छोड़ देता है। हमें एक प्रश्न करते हैं समुद्र गाथा चलती है, समुद्र कहते क्या कहते हैं समुद्र। और प्रश्न करता है ज्ञान होने का और आश्रव की निवृत्ति का ये काल हो कैसे है, ये प्रश्न निकले हो समय तो कहा न माथे कि निर्विकल्पियां हो तो विकल्प छूट जाता है, तो समकाल है कि विषम काल है। अपना आत्मा अपना स्वरूप में निर्विकल्प हो वही समय विकल्प छूट जाता है, और विकल्प छूटते हैं वही समय निर्विकल्प होता है कि काल भेद है, ऐसा प्रश्न करते हैं समझ में आया। अंधेरा जो समय मिटे वही समय प्रकाश होता है, और जो समय प्रकाश होता है वही समय अंधेरा मिटते हैं कि काल भेद है, पहला अंधेरा मिटे पछि प्रकाश हो, पहला प्रकाश हो पीछे अंधेरा मिटे, ऐसा है कि साथ में है एम पूछते हैं है? आत्मा में भान ज्ञानानंद का हुआ वो आनंद का भान हुआ वही समय में दुख का नाश होता है, और दुख का नाश के काल में आनंद का भान होता है एम पूछते हैं समझ में आया। प्रश्न करता है ज्ञान होने का जो ज्ञान का भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान स्वरूप ऐसा जो सम्यक ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने का और आश्रव की निवृत्ति का वो अज्ञान रूप जो आश्रव है उससे अभाव का एक काल कैसे है, एक ही समय दूर का है अने है तो कैसे है, ऐसा शिष्य का प्रश्न उसके उत्तर गाथा कहते हैं। जीव निबद्धाये अधूवयणी चापहा शरणाय दुखा दुखाती नागुणम निवत्तयते ही ये सर्व जीव निबंध अधूव शरण ही नीच है, ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। बड़ी गाथा सब बोल है मोटे में तीन बोलाया था मोटे में सब बोले ये सर्व जीवन निबंध अध्रुव
शरण ही अनित है। ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। नादुणम उसमें भी आया है, देखो बहुत में भी नादुण आया था। नादुणम आसमानम असूचित में आया था ना, बहुत तीर गाथा में नादुणम आसमानम असूचित दुख कारण जीव निवते के ही यहां वो आया। निवर्तन जीव करे उसकी शिकार तो बहुत दृष्टांत है, समझ में आ रही ऐसी चीज है। उसमें पाठ में तो मूल पाठ लिया है, तो अमृतचंद्राचार्य है उसमें से पहला होने को कारण दृष्टांत से सिद्ध करके बात समझाने में आई। वृक्ष और लाख की भांति है टीका। वृक्ष वृक्ष तो पीपर का वृक्ष होता है ना, पीपर पीपर का गाढ़, पीपर का झाड़ क्यों होता है, पीपला नहीं होता, पीपला हो झाड़, पीपर पीपर झाड़ होता है पीपर। तो जब पीपर में लाख होती है तो पीपर का नाश होता है। लाख पीपर का स्वरूप नहीं, पीपर का झाड़ का स्वरूप नहीं। लाख कहते हैं ना, क्या कहते हैं तुम्हारे लाख लाख होती है। वृक्ष और लाख की भांति झाड़ पीपर का बावल का, बावल में भी होता है बबूल, उसमें भी लाख होती है। तो कहते हैं वृक्ष और लाख की भांति वज घातक स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए है। क्या कहते हैं जैसे वो आत्मा वज है, पीपर वधवाला है, घातनशील है और लाख घात करने वाली है जी मित्र। समझ में आया, पीपर घायल होती है और पीपर में लाख घात करने वाली है। ऐसे भगवान आत्मा और वर्तमान शांति आनंद की पर्याय में जो विकल्प राग आदि आश्रय उठते हैं वो घात करने वाला है, आत्मा घायल होता है। समझ में आया, वृक्ष और लाख की भांति, भांति वज्र घातक स्वभावपने से आश्रव है घातक स्वभावपना है, पुण्य पाप का विकल्प घातक स्वभावपना है, लाख जैम पीपर में घातक स्वभावपना है। ऐसा पुण्य पाप का परिणाम भगवान आत्मा में आनंद की पर्याय उत्पन्न होने लायक होने पर भी वो पुण्य पाप का भाव वो पर्याय को घातनशील है, घात करते हैं, घायल होते हैं आत्मा। आत्मा की पर्याय आत्मा ही है, समझे, समझ में आया। पुण्य पाप पुण्य उत्पन्न होते हैं तो लोगों कहते हैं कि उससे हमारे लाभ होता है, आई कहते पुण्य आश्रव है वो तेरी पर्याय को घात करते हैं, हिंसक क्यों, हिंसा तेरा आत्मा की पर्याय हनी गई, हनाई गई, ज्ञानानंद ज्ञान पर्याय होने चाहिए, वो उसके न होने पर राग का उत्पन्न हुआ विकल्प। तो कहते हैं कि विकल्प घातनशील है और पर्याय अपने को वज है, पर से वज होने के लायक है। लाख घातक है और झाड़ घात होने लायक है, पर्याय में समझे। आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, लाख और झाड़ की साथ संयुक्त संबंध है, लाख और झाड़ नहीं, झाड़ झाड़ कहते ना वृक्ष, वृक्ष हो लाख नहीं, लाख हो एम पुण्य पाप का भाव आत्मा नहीं, आत्मा हो पुण्य पाप भाव नहीं। आया है हाँ जी, पर्याय में क्या उत्पन्न हुआ यार, पर्याय दृष्टि से अज्ञान बात उत्पन्न हुआ स्वभाव में है नहीं, पर्याय का अंश का लक्ष्य करके इच्छा श्रद्धा से
राज में सुपन हुआ उसके ही बात करता है। समझ में आया? अज्ञान से उत्पन्न हुआ या तो नन भगवान शुद्ध चैतन्य धातु ऐसा जो आत्मा, उसमें तो राग उत्पन्न होता ही नहीं, हो तो वस्तु का स्वभाव में राग है ही नहीं। प्राण और दृष्टि छोड़कर वर्तमान पर्याय का अंश में बुद्धि रखकर अज्ञान भाव से जो विकार भाव उत्पन्न होता है, क्या अपनी निर्मल पर्याय वज्य होती है? वज्य अनने लायक, अनावा लायक और विकार घातक करने वाला है। यही बात है, उसकी बात है नहीं, है उसकी बात। यहाँ आश्रव है, ओ काल है, आश्रव घात करने वाला है, अपनी प्रेम वज होती है, आना चाहिए। समझ में आया? लाख की अयति की बात है कि नहीं? लाख है वो वृक्ष को घातक वज है, वृक्ष घातन हो है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य जो आनंद है, उसकी पर्याय में जो आनंद की पर्याय, शांति की पर्याय, वितरागी पर्याय उत्पन्न होने के स्वभाव है, तो ऐसा न जानकर अज्ञानपने जो पुण्य पाप का विकल्प उठाया वो घातनशील है, अपनी निर्मल पर्याय उत्पन्न नहीं होती, वो तो उसको वज कहने में आता है। आत्मा में हिंसा होती है, ये पुण्य पाप हिंसा में कारण है, आत्मा के पर्याय में हिंसा होती है, एम कहते हैं। समझ में आया? जीणू जीना है ना भगवान, तो पूरी स्वभाव जीना है। भगवान आत्मा कहते हैं पीपर का झाड़ नहीं पहचे, वृक्ष नहीं पहचे, इसमें पीपा का भाव लाख है, वो घातक है, जाल घातनशील वज होने लायक हो गया। भगवान आत्मा अपना स्वभाव को छोड़कर पर्याय में विकार का उत्पन्न किया तो भाव घातनशील हुआ, पर्याय घात हुई अपनी, एम कहते हैं। अपने उ, उ, विकल्प से लाभ होता है ये तो नहीं, विकल्प से घात होता है अपनी पर्याय में, एम कहते हैं। आया जीव के साथ बंधे, निबद्धा शब्द पड़ा है ना, जीव निबद्धा, जीव स्वभाव नहीं, जीव निबद्धा, वृक्ष के साथ लाख जन बंधी पड़ी, संयोग है, संयोग है, ऐसे विकार भी संयोगी है भाव, स्वभाव भाव नहीं। जिन पीपर में लाख संयोगी चीज है, वृक्ष का स्वरूप नहीं, ऐसे भगवान आत्मा सिदानंद स्वरूप में पुण्य पाप का भाव वो लाख स्वभाव से संयोगी भाव है, और जीव से साथ निबद्धा, जब संयोग है तो साथ में निमित्त संबंध है ना, ऐसे आत्मा में विकार का निबद्ध नाम संबंध है, स्वभाव नहीं। समझ में आया? दाखलो कृष्ण परिमाण के हैं हमारे फ्रेंड्स में, क्या पता है दृष्टांत नहीं, लाख होता है घात का फेदो, ये फर्क करें भाई, जो लाख थे ने घात करे थे कि नहीं, कार में जो निमित्त घात किया कि नहीं। अरे भगवान प्रश्न क्या बात कर नहीं आई तो क्या करना है, वज तो होने लायक है अपनी उस वरदान की योग्यता, तब विकार को घात करने वाला कहने में, निर्मल पर्याय का उत्पन्न न किया वो अपने काल से घात हुआ है, तो वज होने लायक पर्याय उसमें विकार घात करती है ऐसा कहने में, तो दृष्टांत है वो, मैं दृष्टांत में भी जो लाख झाड़ को घात करती है कि नहीं, लाख दूसरी चीज है झाड़ को घात करती है, निमित दूसरा को घात करती है कि नहीं, भाई ये यहाँ नहीं कहना है, यहाँ तो अपनी पर्याय में पीपर में जो लाख उत्पन्न होती है तो पीपर उसमें वज होने लायक है, घात में निमित है वो, बस समझ में आया?
आत्मा इसको सच समझने में आग्रह। अरे ये तो अंतर में सच वस्तु जैसी है ऐसी लक्षण न ले तो सच तर्क का झुकाव होता ही नहीं। लाख बात करे क्रूर शास्त्र पढ़ जाए पर वास्तविक तत्व तो क्या है कैसे होता है ऐसा ख्याल में आए बिना सदा सन्मुख उसकी विधि गति होती ही नहीं। समझ में आया? किंतु जीव के साथ बद्धे हुए हम कहे ना वो निबद्ध कार किया अब इसका विस्तार करते हैं। किंतु अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से क्या कहते हैं वो लाख का जाड़ का दो का अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। जाड़ का स्वभाव जो अविरुद्ध है उसका लाख में अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। ऐसे भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद अविरुद्ध स्वभाव है उसका पुण्य पाप में अविरुद्ध अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। समझ में आया? अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से क्या कहते हैं पुण्य पाप का विकल्प में पुण्य पाप का भाव में भगवान का स्वभाव आत्मा का जो अविरुद्ध है ज्ञान आनंद जो अविरुद्ध स्वभाव है ऐसा अविरुद्ध स्वभाव का पुण्य पाप का भाव में अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। अभाव होने से भी जीव नहीं है। पीपर जैन लाख की पीपर नहीं झाड़ नहीं वृक्षो लाख नहीं ऐसे आत्मा पुण्य पाप नहीं है। कहीं उसमें संस्कृत में है उसका अर्थ में है वहां से नहीं थोड़ी पास थोड़ी हूँ लक्ष्य मैं समझता तो महागंभीर थे एने मैं समझवा मैं बहुत जुए एम आवा अर्थ कार्य ऊंधा एम लखे व्यवहार थी लाभ न था कर्म थी विकार न थे काढ़े समझता नहीं गंभीरता शू करें एम कहू भगवान દ્રષ્ટિ સમયકાર માં પત્તા લેના ચીજ કા બહુ ગંભીર હૈ કર્મ સે વિકાર હોતા હૈ જાણો હૈસા કા ये गंभीरता थी और व्यवहार से लाभ होता है ऐसा समझदार में ऐसा गंभीरता निकालना सीखना क्या था तो ना जी से सब कहते हैं समझ में आया फूल है ना पुण्य का विकल्प तो विकार फूल है रूपी है जड़ है अचेतन है अजीव है ऐसा बहुत विशेष लिया है। भगवान चैतन्य स्वभाव चैतन्य मूर्ति कुछ है पुण्य पाप का शुद्ध भाव देखो जिस भाव से कृष्ण गर्भोत्त बंधे वो भाव चैतन्य स्वभाव का अविरुद्ध स्वभाव से विरुद्ध भाव है। हाँ 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 यहाँ तो जिसको जन्म मरण का दुख लाया हो मेहनत से छुटकारा होना उसकी बात है। हाँ हाँ आया आंख नीची अने देह जो छूट गया कहाँ जाएगा तेरा पत्ता नहीं सही जो शरण न लिया तुम आया कहाँ तेरा लक्ष्मी पड़ी रहेगी माटी पड़ गया श्वास भी नहीं चले तेरे से शरीर तेरा इंजेक्शन विंजेक्शन डॉक्टर लगावे दंत नहीं लगा इंजेक्शन कोई इंजेक्शन नहीं कमावे डॉक्टर ने नहीं कमावे માને ને આમ ઇન્જિન લગાવી આમ થાય ધૂળે નહીં થાય આંબળ નહીં આવે એસી પર્યાય જો હોને વાળી હોતી 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 હૈ બનનાર થરનાર નહીં થરનાર બનનાર નહીં ક્યાં કરે પરમે ક્યાં કર સકતે કોઈ આમથી આમથી અંદર નહીં નીકળે બાપુ જાય દુખે છે કોઈ છે કાંઈ દુખે શું કહેવાય વાત પાર્ટી અભિયાન કેમ કહી શકે કાઠિયાવાડ તો શ્વાસ બરાબર નથી ચાલે તમે
કપૂર કપૂરભાઈ ને શું કહો? હા, કેવા કહેવાય? કામ ધામ ગાય હતી દાદવાળા આ બાજુ રહેતા ને સુનીભાઈ આ ખૂણે, અને ઉલે ખૂણે રહેતા કોઈ એના કાકા ના નીકળ્યા પડે સુની મકાન માં બાકી ની કાલ માં એને ફીલ બધું કુટુંબ ભેગું બધા એમ હવે છૂટી જશે, મને બે છૂટી જશે, મારે બોલાવો શું થઈ ગયું બાકી ની સામે જોઈ લઈ લખ્યું આવું ક્યાંય હારનું છે હારનું. હા હા, ઘરને કુછ સુખને ક્યાં કરે પ્રભુ, એ તો જડકી અવસ્થા એસી હોગી કે તેરે અધિકાર કી બાત નહીં. ડાક્ટર ના બાપ નો અધિકાર નહીં, ડાક્ટર બાપ તો ન હોય, ડાક્ટર નો બાપ ભણ્યા નો હોય છે. હે, એ તો દેખીએ ડાક્ટર નો બાપ, ડાક્ટર રહ્યું કઈ નહીં છે, વકીલ નામ વકીલ નો તો ચાલતો છે ને માં. હે, વાસણ નું કુંભાર નું કામ એમાં આમાં કામ છે વકીલ નું. હા હા, ક્યાં કરે વકીલ પણ હમણાં કોઈ નતું કર્યું, આમ કોર્ટમાં સાક્ષી જતા ત્યાં મળી ગયું એને ખુરશીમાં, ખુરશીમાં બેઠે બેઠે ઉભા થયા અંતર. એ તો ઝડપી અવસ્થા પ્રભુ, ઉચી સ્થિતિ મર્યાદા પણ મળેલા તેરે રાખી રહે નહીં, તેરે છોડી જાય નહીં, તેરે છોડે જાય ક્યા કે સ્વભાવ કી દ્રષ્ટિ મેં વિકાર મેરા નહીં, ઓર સ્વભાવ મેં રહેકર વિકાર છૂટ જાય વો તેરા અધિકાર હૈ. ઉસમેં ઉ કાળ મેં ધર્મ જ્યાં હુઆ તો ઉસ સમય મેં કોઈ કહેતા કે ભાઈ હમે સમ્યક દર્શન તો હુઆ હૈ, અનંત ભાવ હૈ કે નહીં ઉસકી હમ તો શંકા રહેતી હૈ. એમ કેટલા કે છે કે ધર્મ તો સમજે પણ એનો અનુસંસાર આપણે ધર્મી તો થઈ જાય, પૂછ્યું તો મારે મૂળચંદ જેને એ બધી વાત હાલતી હતી, એ તો અનુસંસાર મંદિર ગયો છે એમ કઈ છે ખાતરી ધર્મ. હા, પણ એનો અર્થ કે ના એ કઈ ખબર પડે અનુભવ માં આપણને ભગવાન જાણે એ બી એમ પ્રશ્નો મારા આ તો પહેલેથી ચાલતા ને પ્રશ્ન કે કેટલા ખબર પડે કે નહીં આત્મા કે ખુશ કે અનંત ભાવ હૈ કે નહીં, અનંત ભાવ નહીં હૈ ઉસમે કોઈ ખબર નહીં પડે, સમજ મેં આયા? ખબર ન પડે તો ઉસકો આત્મા કા ભાન હુઆ કે ભાવ, ભાવ મેરા ભાવ અને ભાવ કા કારણ મેરે મેં હૈ નહીં, ભાવ આયા કહાં સે? સમજ મેં આયા? આત્મા કા જ્ઞાન હુઆ તો આત્મા મેં રાગ આદિ હૈ નહીં, તો રાગ કા ફળ ભાવ કહાં સે આયા? સમ્યક દ્રષ્ટિ કો મેરે ભાવ હૈ એસા પ્રશ્ન હૈ નહીં, સમજ મેં આયા? કેમ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ કી દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર હૈ, અને દ્રવ્ય મેં તો રાગ હૈ નહીં, ભાવ હૈ નહીં, રાગ હૈ નહીં, ભાવ કા કારણ હૈ નહીં, સમજ મેં આયા? હા, એ તો દ્રવ્ય નથી તો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ વાત નથી, એ વાત એક હૈ. બરા પ્રશ્ન ચલતે થે અમારા ચૌધરી નો, હિંમત એસા ક્યુ લખે દેવદાસ ભાઈ દેવદાસ કેવડિયા હતા ને, સત્યોતેર કે સાલ, સત્યોતેર સમજો સત્યોતેર દો સાલ વૈષ્ણવ તેની કમ 1977 પ્રશ્ન હોવા કે શ્રીમદ ઈસા ક્યુ કહે અશેષ કર્મ નો ભોગ છે, ભોગવો અશેષ રે, જેથી દેહ એક ધારી ને જાશો સ્વરૂપ સ્વદેશ રે. શ્રીમદ કહી ગયા શ્રીમદ વાંચી, અશેષ કર્મ નો ભોગ, કઈ પણ રાગ આદિ બાકી રહે છે, કઈ હજી મારી દશામાં ઇતના ઉગ્ર પુરુષાર્થ હે ને, અશેષ કર્મ નો ભોગ છે. આત્મસિદ્ધિમાં આવી ગયો, આત્મસિદ્ધિ આયા, આત્મસિદ્ધિ આપી ને ઉચ્ચા કરવાના સુંદર. અશેષ કર્મ નો ભોગ સંબંધ ઇતના દીખતે હૈ કે એક ભોગ નહીં છૂટેગા, અશેષ કર્મ નો ભોગ છે, ભોગવો અશેષ રે, જેથી દેહ એક ધારી ને જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે,
एक आध भी धारण करना पड़ेगा ऐसा लगते हैं, और पीछे स्वरूप में समा जाएगा केवल हो जाएगा। समझ में आया? मैं प्रश्न किया था बहुत फुटूर किसान ऐसा क्यों कहे। अरे सुन तो सही, क्या कहे क्या कहे। भगवान आत्मा अखंडा नन प्रभु भोग ने भव का बिना का स्वभाव पान हुआ उसमें भव की शंका और आए का। आया भगवान को पूछने जाना, भगवान मेरे कितना भव है तेरे शंका है, भगवान जानते शंका है तेरे, नंद भव है तेरे। हैं खबर को पूछना पड़ेगा कि मैं लखपति हूं कि नहीं। तो दिखता नहीं यार मोहनलाल जी था ना, 60 लाख लिए थे थी दीपिन शिक्षा को, उसका मामा 60 लाख लिया था ना, लेकिन न लिया तो उस मोहनलाल जी को ऐसा हुआ 60 लाख नगद पड़ा था 40 वर्ष तक। तो एक ही लड़की थी और उनको मकान में बाहर लिख दिया कि मोहनलाल जी दिवाला कर निकाला, अंदर गई तो तुम्हारा नाम लिखा है, न्याय हूं का लिखा आवे नहीं उसमें लिखे, मेरी पास क्या है मेरी खबर है कि नहीं। मेरी पास क्या है मेरे खबर, मेरी पास पूंजी माल सब पड़ा है। आवे ने लखवा यहाँ दादर में, दादरा होता ना क्या सिटी, सिटी में लखे नहीं मोहनलाल जी का दिवाला निकाला, मेरे खबर है कि नहीं मेरी पास क्या है। इतना हुआ था 60 लाख रुपया थे ना, तो बीपिन जी को देते थे लिया, कोई ऐसा विरोधी नहीं कोई सहन करवाने शक्ति नहीं है। 7 लाख में एक लड़की कुमार में ऐसी आबरू बहुत उसकी, 7 लाख रुपया 40 वर्ष है, तो कोई ऐसा है उसने दिवाला निकाला उसका मकान में कोई लख दिया सेठ तुम्हारा लिखा ऐसा, मैं यहाँ हूँ करा लगे यहाँ आवे नहीं, लिखे नहीं हमारा मकान में अंदर, क्या है हमारी पास हमको खबर नहीं। अजय प्रसाद जी ऐसे कोई कहे अरे तुम्हारे अनंत संसार है पर हमको खबर है क्या है हमारे यहाँ, सुने अनंत संसार संसार किसको होता, अज्ञानी को संसार होता। समझ में आया? हमारी पूंजी हमारी पास है हमको खबर नहीं, भाव बिना की चीज हमारी पास है, ऐसा जिसको भान हो उसके शंका रहे अनंत संसार वो है ही सब, वो प्रश्न करते हैं महाराज। जिस समय आत्मा का भान हो उस समय में निशंका हो जाती है, अनंत भव का नाश हो जाता है, अनंत भव का नाश समय में आत्मा का भान होता है, समय एक है कि दूसरा समय है, यूं पूछते हैं। समझ में आया? हम का ही पूछते हम तो समझे हम तो है हम गए, तो भगवान का ज्ञान में अनंत संसार भी होगा ऐसा हो तो। अरे तुम्हें तो समझा ही नहीं थे, अरे अनंत संसार हमारे है ही नहीं एम, पर हमें हमको धर्म की दृष्टि हुई नहीं अजी। समझ में आया? तो कहां से धर्म की दृष्टि बिना अनंत संसार नहीं अन्न की हुआ तेरे। समझ में आया? वो कहते हैं यहाँ समका कहते हैं कि जैसे वृक्ष में लाख ऐसे भगवान आत्मा में विकार वज है आत्मा और घातक है वो, ऐसा जब भास हुआ तो कहते हैं अविरुद्ध स्वभाव पर का वन जीवी नहीं, ऐसा जब भान हुआ वही समय आखिर में उसका समझे ऐसा आश्रयों का और जीव का भेदना होते ही जिससे कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा भान हुआ का विकार पर है घातन मेरा स्वरूप पर भिन्न है, ऐसा नादुणम जब ज्ञान होता है वही समय में सम्यक ज्ञान होता है, वही समय में अनुसंसार का भाव का नाश होता। समझ में आया? लाख के निमित्त से जो प्रश्नों की सचलों को लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है, देखो निमित्त हुआ जो लाख का निमित्त से वृक्ष का नाश हुआ, पर वो तो निमित्त कहने में आया, पर निमित्तिक पर्याय लाख वृक्ष में नाश होने की ही तो नाश हो या हमसे कहने में आता है। अरे झगड़ा वाला झगड़ा करे लाख घातक है वृक्ष वध है, घात होने लायक जो वृक्ष है घात होने लायक, इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है, लाख ने वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध, इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई है, विरुद्ध है तो बंधी हुई है स्वभाव तो है नहीं,
स्वभाव होने से, इस प्रकार वीर स्वभाव होने से आश्रम बंद स्वयं जीव नहीं, लाख जेम वृक्ष नहीं एम पुण्य पापी जीव नहीं। समझ में आया, मैं जीव ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप विकास संयोग भावी थी, ये तो बंध है संयोग भाव है मेरा स्वभाव। ऐसा जब भान हुआ कोई समय में स्वभाव का अनुभव हुआ और विभाव की एकता बुद्धि टूट गई, आनंद भाव है ऐसा नाश हो गया, मिथ्या का नाश होने से अनंता भाव करना की जो शंका थी उसका तो नाश हो गया। समझ में आया, हिम्मत एक लिखा कि तुम्हें जी साधु ने समझावा मांगो तो अपनी साधु इतना तो कहो कि आपने इतना इतने करते हैं किया पर यदि निशंक नहीं होता कि आपने अनुभव है कि नहीं, मिथ्या से अनुभव होता है ऐसा अनुभव है कि नहीं, परिसंसार है कि नहीं अपरित है ऐसा तो निर्णय हुआ नहीं, तो क्या तुम्हें धर्म करके किया। समझ में आया, हम कर्म तो बहुत करते हैं पर अंदर में संसार अनंत है कि नहीं उसका मेरा निर्णय होता तो कहां से आया तेरा धर्म। समझ में आया, धर्म करने वाले को तो संसार है ही नहीं संसार ऐसा निर्णय होता है अंदर में वही समय में होता है, हम कहते हैं नहीं धर्म तो बहुत काल से करते हैं कौन इतना बहुत करता है करेगा होगा ऐसे हमारे को खबर पड़ती कि धर्म ही नहीं, नहीं। धर्म नहीं, जिसको धर्म का फान हुआ मैं ज्ञानानंद सोचन मूर्त हूँ राजा जी नहीं उसको भाव कितना प्रश्न है ही नहीं, भव है नहीं राग है नहीं उसमें तो भाव कहां से आया। समझ में आया, आत्म घातक है और आत्मा बद्ध है, इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रम सुन जीव नहीं, जिन वृक्ष लाख नहीं लाख वृक्ष नहीं ऐसे भगवान आत्मा सुचित घन आनंद वो आश्रव नहीं और आश्रव जीव नहीं वो बराबर है। ऐसा नादुणम हम लेना नात्वा निवृत्ति से व्यह ऐसा जब ज्ञान हुआ वही समय में स्वस्वन्मुख होते हैं पर से निवृत्त हो जाता है, स्वस्थ में होते पर से निवृत्त होता है उसमें काल भेद एम कहते हैं मुख। समझ में आया, यहाँ आपने दर्शन भी जाएगी सुनते तमन साधु आया था तीन तो चाहे बैठे थे प्रश्न किया गुरु की वाणी है देव की नहीं आपको मैं कहा नवाणु के साल है देव की गुरु वितरा की वाणी है बड़ा है बात तुम्हारा नाम क्या कह रहे दर्शन भी गई बड़ा अच्छा बात है तुम भव्यों को भव्य नक्की किया कि तुम ये खबर नहीं अजी भव्यो भी क्या नक्की नहीं आया कि तो वितरा की वाणी का निर्णय करने चले हाँ उसमें डायो मारो पकड़ा के। समझ में आया, और भव्य जिसको अनुभव करना है कभी भव रहित नहीं ऐसे तो तेरे निर्णय नहीं है मैं भव्य का भव्य पीछे पकड़े गया पीछे के ना हवे नहीं कि तुम्हारा आ गया भाई भवी अभी की खबर न पड़े भवी कभी भी खबर न पड़े तो तुम वितराग की वाणी का निर्णय करने निकले, वितराग की वाणी में भव का अभाव की बात है, अभाव की बात का निर्णय भव का अनंत है मेरे ऐसा भाव का भव का अभाव का निर्णय कर सकते हैं वाणी का लाइव मन हो पचित थी गये कोई मान बात पकड़ी दिया वितरा की वाणी है वितरा का वितरा की गुरु है वितरा कौन जान सके अरे तेरे जी भव की तो उन शंका की अभवी की शंका है तेरे शंका राग रही भगवान की वाणी कैसी होनी है भगवान आत्मा कैसा है उसका तेरे बोध है। पंडित जी समझ में आया, मैं चर्चा हुई थी नवाणु के साथ नवाणु समझे वाणी भाई कैसे होते नहीं गुरु कैसे लाख जीव का वृक्ष का स्वरूप नहीं ऐसे जहां अंतर में मेरा स्वरूप में आश्रव नहीं आश्रव और जीव स्वरूप नहीं तो आश्रव जीव स्वरूप नहीं तो आश्रव से दृष्टि हटकर जीव स्वरूप पर दृष्टि दो तो उस समय में मिथ्या का नाश
होता है ना, सन्नत दर्शन की उत्पत्ति समकाय दुख की निवृत्ति ने आनंद की उत्पत्ति का अकाव एक ही है। सन्नत की उत्पत्ति ने मिथ्या का नाश का अकाव एक समय आगे पैसे होता वो प्रश्न किया था उसका एक शब्द में उत्तर दिया।